समझ में नहीं आ रहा, ये लेना सही है क्या? चल ये भी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो ईजल के ऊपर है। जो लोग कन्फ्यूज है कि ईजल कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, या कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, या मेरे बजट में कौन सा सही बैठेगा, ये सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। पहले समझना ये ज़रूरी है कि ईजल लेना चाहिए क्या? हम बोर्ड पर भी तो बना सकते हैं। अगर ईजल लेना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, ये सारे सवालों को लेके आया हूँ मैं। पहला, क्यों नहीं लेना चाहिए। दूसरा, इंडोर के लिए कौन सा सही है। तीसरा, आउटडोर के लिए कौन सा सही है। आज के वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। स्टार्टिंग डेज में पहले मैं ईजल नहीं लेता था, बोर्ड पे काम करता, फिर धीरे धीरे ईजल लिए, कौन से ईजल लिए, ये सारा नॉलेज आपको आज के वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप A4 साइज़ में, A3 साइज़ या A2 साइज़ में पोर्ट्रेट बनाते हो, या स्टिल लाइफ बनाते हो, या कंपोजिशन बनाते हो, तो आप बोर्ड पर भी बना सकते हो नीचे बैठ के, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ। अगर आपको लगता है कि ईजल खरीदना ज़रूरी है और ऐसे बैठ के काम नहीं करना है, तो आप कमीशन वर्क कर सकते हो, पोर्ट्रेट हो या किसी की कंपोजिशन बनाना हो। जो आप पैसा कमाओगे वहाँ से सेविंग करके अब ईजल खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुद को एक सुकून मिलता है, तो वो ट्राई करके देखें। अगर आप ईजल लेना चाहते हो तो इस टाइप का ले सकते हो। ये मैंने 2017 में लिया था, तो अभी तक ये टिका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें, और काफ़ी लाइट वेट होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी आपको थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा, इससे आपको लगेगा कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे बोर्ड रख सकते हो। ऐसे बोर्ड रख के आप बना सकते हो सीट पे बैठ के, जैसे आपकी इच्छा थी। मेरा अपना एक ईजल हो, अपना स्टेबल हो, बैठने का जगह हो, ऐसा आप अपना काम कर सकते हो। इसके अलावा आप कैनवस भी रख सकते हो। आप चाहते हो इससे भी हैवी वेट का मैं ईजल लूँ, तो आप ऐसे ले सकते हो, जो आपके सामने इमेज दिख रहा होगा। बस थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, आपके अगर बजट में है तो ले सकते हो, नहीं है तो ये ले सकते हो। ये करीबन जब मैंने लिया था तो 1000 रुपये के आसपास था 2017 में, अभी क्या कह नहीं सकता। अगर कैनवस पेंटिंग करना चाहते हैं आउटडोर के लिए, तो कौन से ईजल लेना सही है, या वाटर कलर करना चाहते हैं तो कौन से ईजल लेना सही है, आप देख सकते हो। ये रहा दो ईजल, ये कैनवस पेंटिंग के लिए, ये वाटर कलर के लिए। वाटर कलर वाला लाइट वेट वाला है, तो इतना भारी नहीं है। ये थोड़ा भारी है क्योंकि जब कैनवस काम करें तो थोड़ा वेट होना चाहिए। ये दोनों का भी मैं एक डेमो दूंगा आउटडोर में, जिससे आप समझ सको कि कैसे इसका यूज़ करें। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो कि कैरी बैग है मेरे हाथ में, वहाँ से मैंने ईजल को निकाला, फोल्डिंग वाला। ये जो आप ईजल देख पा रहे हो कैनवस वाला है, तो थोड़ा हेवी वेट होगा ये, अगर आप लेने जाओगे तो। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे आपका कैनवस का साइज होगा। उसके बाद मैं कैनवस लगा रहा हूँ, जैसे आपको लैंडस्केप करना हो या पोर्ट्रेट मोड में काम करना हो, वो आपकी चॉइस है, आप ऐसा कर सकते हो। ये दूसरा आप देख सकते हो, वाटर कलर ईजल स्टैंड है, ये काफ़ी लाइट वेट है, इसको तो आप आराम से कैरी कर सकते हो। जो भी वाटर कलर करना चाहते हैं वो हल्के बोर्ड का यूज़ करें, जैसे कि आप यहाँ ईजल पे रखोगे तो उसका वेट संभाल सके। जैसे आपको लगे A4 पे करना है, A3 पे करना है, A2 पे करना है, A1 पे करना, वो आपकी चॉइस है। अगर आपने डेमो देख लिया तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों लेने चाहिए, सस्ते भी आते हैं और महंगे भी आते हैं, आपका बजट क्या है उस हिसाब से आप ले सकते हो। आज के वीडियो में आपको अगर बेनिफिट मिला है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप उन दोस्तों में शेयर कर सकते हो जो कन्फ्यूज़ है ईजल कौन सा ले, या लेना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया मैंने। बाकी आपको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो मुझे देखते रहिए। शुक्रिया। ओ भाई।